अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो है Redmi Note 5 के बारे में। आज की वीडियो में मैं Redmi Note 5 के बारे में सारे लीक्स और रूमर्स को कवर करूंगा, जो कि ज्यादा करके लीक्स और रूमर्स आ चुके हैं अभी तक Redmi Note 5 के बारे में, और शायद अब और नहीं आएंगे क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं फोन के लॉन्च के लिए। 2 दिन में तो आपको पूरा फोन के बारे में सब कुछ मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन जो अब तक लीक्स और रूमर्स निकल के आए हैं उनको मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका था इसके बारे में, पर काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं तब के लीक्स में और अभी के लीक्स में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं और एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि पहले के लीक्स और अभी के लीक्स में काफी फर्क है। इसलिए सबसे पहले Redmi Note 5 के डिस्प्ले की बात करते हैं। रूमर्स ऐसा कहते हैं कि Redmi Note 5 में आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो होगा 5.99 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले होगा, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। अब बात करते हैं Redmi Note 5 के कैमरा की। पहले जो रूमर्स निकल के आए थे वो कहते थे कि Redmi Note 5 में ड्यूल कैमरा सेटअप होगा। उसके बाद बीच में जो रूमर्स निकल के वो कहने लगे कि Redmi Note 5 में एक सिंगल कैमरा सेटअप ही होगा। पर अब जो रिसेंट में लेटेस्ट में जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि Redmi Note 5 में ड्यूल कैमरा सेटअप ही होगा, और जो मेगापिक्सल काउंट होगा इन कैमरास का वो होगा एक का 16 मेगापिक्सल और दूसरे वाले का 5 मेगापिक्सल। और जो Redmi Note 5 का सेल्फी कैमरा है वो रूमर्ड है कि 5 मेगापिक्सल की जगह जो Redmi Note 4 में था उसकी जगह 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस फोन में देखा जाएगा। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। इस स्मार्टफोन में एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा ये तो कंफर्म है, पर ये कंफर्म नहीं है कि इसमें स्नैपड्रैगन 632 होगा या 636 होगा। इसके बारे में काफी सारे रिपोर्ट्स है, कोई कहता है कि 632 होगा, कोई कहता है कि 636 होगा, कोई कहता है 630 होगा, या कोई कोई तो ये भी कहता है कि 625 ही होगा। ये तो शायद हमें लॉन्च के बाद ही मालूम पड़ेगी कौन सा प्रोसेसर इसमें असली में होगा। पर सबसे ज्यादा रूमर्स जिस प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहे हैं वो है स्नैपड्रैगन 636। अब बात करते हैं Redmi Note 5 के बैटरी की। इस स्मार्टफोन में आपको जो बैटरी देखने मिलेगी वो होगी 4100 mAh की बैटरी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बैटरी होगी और वन फुल डे एक फुल चार्ज में आराम से चल जाएगी। आपको उम्मीद रही होगी कि Redmi Note 5 में तो हमें कम से कम एंड्रॉयड ओरियो देखने मिलेगा, पर नहीं, एंड्रॉयड ओरियो आपको इसमें भी नहीं देखने मिलेगा, आपको न्यूगेट ही देखने मिलेगा इसमें। बाद में शायद अपग्रेड आ जाए, पर पहले तो आउट ऑफ द बॉक्स जो मिलेगा वो एंड्रॉयड न्यूगेट ही होगा। मेन मेन रूमर्स जो Redmi Note 5 के बारे में थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। और भी अगर रूमर्स आते हैं तो मैं अभी वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 2 दिन बाद ही ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है, उसके बाद एक ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन का वीडियो मेरे चैनल में आ जाएगा, तो आप उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।